हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आ गई हूँ प्रभा किरण सूफी को लेने के लिए। हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में, और कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगी। तो ये है सूफी, और बारिश इतना हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग को गाड़ी में आने के लिए भी छतरी लेके आना पड़ रहा है। और ये है हमारी सीता दी। तो हम लोग जा रहे हैं द रॉयल गार्डन, जो कि कटहल मोड पे है। हम लोग को यहाँ से टाइम लग जाएगा आधा घंटा जैसे, लेकिन बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं रोड में पूरा पानी जम गया, लग रहा है कि हम लोग नदी पार करके जा रहे हैं। और आज ट्रैफिक भी बहुत था फ्रेंड्स, और पूरा रास्ता पूरा जाम हो रखा था, और हम लोग बहुत बोर हो रहे थे गाड़ी में बैठ बैठ के। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा झगड़ा हो गया था ट्रैफिक के वजह से, मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और मैं तो सोच रही थी कि हम लोग कब पहुँचेंगे यार, यहाँ पे 9:50 हो गया, 10 बजने वाला है, और अभी तक हम लोग अरगोड़ा चौक भी नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पे मैं हर गाड़ी में देख रही हूँ सब पार्टी ही जा रहा है, सब रेडी होके बैठा हुआ है। इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका लेट हो रहा है। चलो फिर फाइनली हम लोग जैसे तैसे करके अरगोड़ा चौक पहुँच गए, और यहाँ से भी बहुत ट्रैफिक बता रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ से वापस गाड़ी घुमा के हम लोग दूसरा रास्ता होके आए। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिमल श्याम विहार, यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे रेंट पे। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 10:40, और अभी हम फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। और आज जो है बिट्टू भैया का शादी, मैं उनका तिलक वाला ब्लॉग शेयर की थी, आप मेरे पहले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, और खुशी गाइस इतना हो रहा था कि लग रहा था कि हम लोग कोई जंग जीत के आए थे। तो यहाँ आके पता चला कि बारात भी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो हम लोग गए और स्टार्टर खाली है, बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, टाइम भी बहुत हो गया था। तो यहाँ का चिल्ला इतना टेस्टी था फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी था, मैं तो 2-3 को खा गई थी। फिर फाइनली बारात आ गया, और हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मेरे साइड में जो डांस कर रहे हैं वो पवन ने, देखे किसी को डांस करने देख ही नहीं रहा है। और हम लोग यहाँ पर बहुत डांस किए, और ये हमारे संजीव भैया। फिर हम लोग अंदर आ गए, और डांस करके बहुत थक गए थे फ्रेंड्स। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। और ये जगह इतना सुंदर सजाया गया था, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखिए संजुली भाभी, और यहाँ पे राजश्री भी खाना खा रही है कैसे चुप चुप के। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए, और मैं यहाँ पे खाना का वीडियो बनाने भूल गई थी। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए, और खाना बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स। फिर हम लोग अंदर आ गए, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं जयमाला का, कि जयमाला कब होगा, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो जो भी फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और ये हैं हमारे बिट्टू भैया जिनका शादी होने वाला है, और ये है नमो, एनी टाइम बदमाशी करते रहता है, और ये है डोयल। फिर फाइनली यहाँ पर दुल्हन का एंट्री हो रहा है, और इतनी प्यारी लग रही थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतनी प्यारी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सबका नज़र सिर्फ दुल्हन पे ही था, इतनी प्यारी लग रही थी। जयमाला होने में बहुत टाइम है फ्रेंड्स, तो हम लोग फाइनली अभी घर जाएंगे, बहुत रात हो गया, सुबह डोयल को स्कूल भी जाना है। तो फाइनली हम लोग अभी घर जा रहे हैं। तो जो भी फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे हम लोग जाते जाते भी चाय पी के घर जा रहे हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।